स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश में। मैं हूं कृति मिश्रा, मेरे साथ हैं देश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार जी। सर स्वागत है आपका संसद टीवी में। सर, फाइनेंस मिनिस्टर की इंटरिम बजट स्पीच में एक बेहद ही खास सेंटेंस था कि सोशल जस्टिस इस सरकार के लिए एक पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है बल्कि गवर्नेंस मॉडल है। सोशल जस्टिस मंत्री के तहत आप किस तरह से देखते हैं इंटरिम बजट को? सामाजिक न्याय हमारी सरकार की प्राथमिकता है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस बात को विशेष रूप से उद्धृत करते हैं कि हमारे लिए गरीब, किसान, युवा और महिला, इनका सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना से जो आवास दिलाए गए उसमें बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति को जो मालिकाना हक दिलाया गया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित कराया गया, ट्रिपल तलाक का बिल पारित कराया गया और मुद्रा योजना में भी बहुत बड़ी मात्रा में मातृशक्ति ने लोन लेकर आत्मनिर्भरता की तरफ कदम आगे बढ़ाए हैं। युवाओं की अगर बात की जाए तो 10 साल पहले हमारे देश में स्टार्टअप की संख्या मात्र कुछ सैकड़ा थी, लेकिन आज 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप प्रारंभ हुए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से और स्वनिधि योजना से भी युवाओं ने छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक आत्मनिर्भरता की तरफ तीव्र गति से कदम आगे बढ़ाए हैं। आज किसान अपने आप को इस 10 वर्ष में जितना सुरक्षित अनुभव कर रहा है और कृषि के क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए जितनी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं उसका परिणाम यह हुआ है कि आज कृषि क्षेत्र गेहूं और धान के अलावा हम दलहन और तेलहन के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में गेहूं और धान पर 10 लाख करोड़ रुपया दिया गया, इसी तरह से दलहन तेलहन पर भी 1.25 लाख करोड़ रुपया दिया गया। मातृशक्ति, किसान, युवा, गरीबों की बात की जाए तो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा सूची से बाहर निकालने का काम किया गया, उनको उनके सशक्तिकरण के लिए शासन की जो विभिन्न योजनाएं बनी उन योजनाओं का लाभ लेकर आज समाज का बहुत बड़ा तबका जो है गरीबी रेखा सूची से बाहर निकला है और जो पैसा उसको आवास बनाने में, उसको गैस का कनेक्शन लेने में, आयुष्मान भारत योजना का अगर कार्ड नहीं बनता तो स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ता, जो पैसा उसका वहां जो बच रहा है उस पैसे से वो अपने परिवार के विकास में तो योगदान दे ही रहा है, परिवार के साथ साथ समाज और देश के भी विकास में, देश को भी आत्मनिर्भर बनाने में आज वो अपना योगदान दे रहा है। तो सरकार ने जो हमारे लिए सिर्फ ये स्लोगन नहीं है बल्कि पिछले 10 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में जो कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं उनके कदमों के आज परिणाम सामने स्पष्ट दिखलाई दे रहे हैं। बिल्कुल सर, वित्त मंत्री ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि यही सेक्युलरिज्म इन एक्शन है, जहां पर जो वल्नरेबल सेक्शंस है सोसाइटी को उनको विकास का बेनिफिट मिल सके। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि दिव्यांगजन उनको केवल सशक्त बनाना ही नहीं बल्कि सशक्तिकरण के साथ साथ वो समाज को भी सशक्त बनाने में और देश को भी आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे सकें। सरकार की बहुत सारी योजनाएं दिव्यांगजनों को केंद्रित करके बनाई गई। एक और जहां दिव्यांगजनों को स्किल ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ में जोड़ा गया, वहीं दिव्यांगता वित्त विकास निगम बनाया गया जिसमें दिव्यांगता वित्त विकास निगम के माध्यम से हमारे दिव्यांगजन लोन लेकर कम ब्याज की दर पर उनको लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, वो अपना काम प्रारंभ कर सकें और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादकों को प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए, बिक्री के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए दिव्य कला मेलों की शुरुआत सरकार के द्वारा की गई बड़ी मात्रा में। उन दिव्य कला मेलों में दिव्यांगजन जो आते हैं वो उनके अंदर इतना आत्मविश्वास का भाव आ रहा है, सम्मान का भाव आ रहा है, उनको एक पहचान मिल रही है और एक राज्य के दिव्यांगजन आज इस दिव्य कला मेले के माध्यम से जुड़ करके और ई कॉमर्स के साथ में जुड़कर दूसरे राज्यों में भी अपना सामान बेचने जा रहे हैं। तो उनको दिव्य कला, एक और जहां उनको दिव्य कला मेले के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, स्किल ट्रेनिंग के उससे जोड़ा जा रहा है, वहीं दिव्यांगजनों को शैक्षणिक दृष्टि से भी उनको
सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और ओवरसीरीज की पढ़ाई के लिए भी दिव्यांगजनों को सरकार जो है ना आगे कदम बढ़ा रही है, जो उसमें निकल के आते हैं उनके लिए भी हम लोग आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। दिव्यांगजनों के साथ ही साथ ट्रांसजेंडर समुदाय को भी उनके अधिकार दिलाने के लिए, उनका सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए भी सरकार ने इस संबंध में भी कानून बनाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और अपना पर्सपेक्टिव और अपने विचार हमसे साझा करने के लिए। कैमरा पर्सन योगेश और कैमरा असिस्टेंट रियासत के साथ कृति मिश्रा, संसद टेलीविजन।